हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउज। तो आज हम बात करेंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के बारे में, जिसमें कि एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। ये कई सारे एग्जाम्स लाइक UPSC, SSC, NDA, CDS, रेलवेज, स्टेट PCS, इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो जैन काउंसिल हुई थी, तो फर्स्ट जैन काउंसिल जो थी वो कहाँ पे आयोजित की गई। तो जो फर्स्ट जैन काउंसिल थी वो बेसिकली पाटलिपुत्र में हुई थी स्थलबाहु के द्वारा। ये 3rd सेंचुरी की स्टार्टिंग में बेसिकली हुई थी और यहाँ पे जो 12 अंगाज जो हैं उन सब का कंपाइलेशन किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र में हुई थी फर्स्ट जैन काउंसिल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक्य किंग पुलकासेन सेकंड जो थे उनके द्वारा हर्षवर्धन को किस नदी पर डिफीट किया गया था। तो 1618 AD में इन दोनों के बीच में एक वॉर हुई थी। पुलकासेन सेकंड जो कि बादामी जो कैपिटल थी चालुक्य की, ठीक है, चालुक्य किंग पुलकासेन सेकंड की कैपिटल थी बादामी, वहाँ से वो रूल करते थे। और जो हर्षवर्धन थे वो रूल करते थे कनौज से। और जो पुलकासेन सेकंड थे इनको लॉर्ड पैरामाउंट ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता था और हर्षवर्धन को लॉर्ड पैरामाउंट ऑफ द नॉर्थ के नाम से जाना जाता था। इन दोनों के बीच में 1618 AD में जो नर्मदा नदी है उसके तट पर वॉर हुई थी और जिसमें पुलकासेन सेकंड के द्वारा हर्षवर्धन को डिफीट किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये चार ऑप्शंस दिए गए। ये चारों जो हैं बेसिकली चालुक्यन किंग हैं, चालुक्य के जो किंग थे वो चारों ये हैं। इनमें से पूछा गया कि इनमें से किस चालुक्यन किंग के द्वारा एक एम्बेसडर को जो पर्शियन किंग थे खुसराव सेकंड के पास में भेजा गया था। तो चालुक्यन किंग जो पुलकासेन सेकंड जो थे उनके द्वारा एक एम्बेसडर को जो पर्शियन किंग खुसराव सेकंड थे उनके पास में भेजा गया था 1625 AD में। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि इन यहाँ पे जो चार ऑप्शंस दिए गए ये बेसिकली जो पल्लव रूलर्स हैं, ठीक है, पल्लव के जो शासक थे वो सब हैं। इनमें से किसके द्वारा जो वैकुंठपुरमलु टेंपल जो है जो कि कांची में है उसको बनाया गया था। तो जो वैकुंठ पेरुमल टेंपल जो है जिसको बेसिकली पल्लव किंग थे नंदीवर्मन सेकेंड उनके द्वारा 18th सेंचुरी में बनाया गया था और उनके द्वारा लॉर्ड विष्णु की वर्शिप की जाती थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, नंदीवर्मन सेकंड जो कि बेसिकली एक पल्लव किंग थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो चार ऑप्शंस दिए गए इनमें से किसके द्वारा कृतार्जुनीय को लिखा गया था। कृतार्जुनीय जो कि बेसिकली संस्कृत में लिखी गई है जिसका मतलब होता है अर्जुना एंड द माउंटेन मैन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कृतार्जुनीय है इसको बेसिकली भैरवी या फिर भैरवी के द्वारा या फिर भैरवी के द्वारा लिखा गया था जो कि एक संस्कृत पोइट थे। इनके द्वारा 6th सेंचुरी में इसको लिखा गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि इन चार में से किस चालुक्यन किंग के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ जो था वो किया गया था। तो पुलकासेन फर्स्ट जो चालुक्य किंग थे उनके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किया गया था जिसमें बेसिकली जिसको कि हॉर्स सेक्रीफाइस सेरेमनी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो पावर होती है उसको एक्सेस करने के लिए इस टाइप का यज्ञ पहले किया जाता था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पुलकासेन फर्स्ट के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नंदा डायनेस्टी थी या फिर जो नंदा वंश जो था उसके फाउंडर या संस्थापक कौन थे। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था महापद्म नंदा के द्वारा, जिनके द्वारा 325 से 329 BC तक उनके द्वारा शासन किया गया था। उस पीरियड में उनके द्वारा नंदा डायनेस्टी इस्टेब्लिश की गई थी और जो महापद्म नंदा है उनको एकराट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा महापद्म नंदा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये जो चार ऑप्शंस दिए गए, चारों उपनिषद दिए गए, ठीक है, इन उपनिषद में से किस उपनिषद में जो आश्रम होते हैं इंडिविजुअल लाइफ के जो आश्रम हैं चार आश्रम उनके बारे में किस उपनिषद में बेसिकली बात की जाती है। जैसे कि ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम, सन्यासी आश्रम, जो ये चार आश्रम हैं इनके बारे में किस उपनिषद में क्लियरली रेफरेंस दिया गया है, बोला जाता है।
तो एक जो जबला उपनिषद है उसमें इनके बारे में क्लियर इंडिकेशन दिया गया, क्लियरली सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ओके, जबला उपनिषद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि अफगानिस्तान का जो बेग्राम है, ठीक है, जिसको किस किंग के द्वारा कैपिटल बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था कनिष्क के द्वारा, जो कनिष्क थे उनके द्वारा अफगानिस्तान में जो बेग्राम है उसको कैपिटल बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कनिष्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि हमारे सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि इनमें से किस कौन सा इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था एंशियंट इंडिया का, जो बेसिकली जो कल्याणी और वेंगी जो थी उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता था, एक ट्रेड रूट। तो यहाँ पे एक तगारा था, ठीक है, जिसको तगरा भी बोलते हैं, वो एक काफ़ी ट्रेड का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर था एंशियंट इंडिया में, ये बेसिकली जो कल्याणी और वेंगी जो था उनको कनेक्ट किया जाता था तगरा के द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, तगरा। तो यही थे कुछ 10 MCQs एंशियंट इंडियन हिस्ट्री या प्राचीन भारत से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।